तो जी हम लोग आ गए थे बुटीक पे और कन्हैया अभी यहाँ पे अपना काम कर रहा था, लाइनिंग वगैरह दे रहा था काट के। और नाश्ता पानी कर आया भाई, शिवलोत्ते जब मजा आ रहा पूरा धूल मिट्टी में। क्या है आज, कुछ खास है क्या? धूल मिट्टी में पूरा मजा आ रहा वहाँ वहाँ अब जब है ना शिवरात्रि, तैयारियां चल रही उसकी। अब जब वो जो इतने दिनों से तो बिल्कुल ढिल्ले ढिल्ले से चल रहे थे, अब उन्होंने आतंक मचाया हुआ पूरा मासी। हाँ अब उस दिन हाथ तो गया तो था उनके साथ, अब उन्होंने पूरा जोरों शोरों से काम लगा रखा, शिवलिंग वगैरह शिवलिंग अंदर रख रखी उन्होंने वहां पे, जहाँ मंदिर है वही पे में नवग्रह वगैरह बना के शिवलिंग रखी हुई पूजा वगैरह के लिए। तो जी मैं जैसा दुकान पे आई थी तो मैं कहा पीयू के डैडी है यहाँ पे, थोड़ा सा काम सही सीख लो, आप लोग भी कहो कि दीदी भैया कोई थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, सलवार की कटिंग तो मेरे पास है करने, आप मुझे सलवार दे दिया करो, पांच चार छाट दिया करूंगी मैं। पर आजकल सब पजामे पहने हैं प्लाजो पहने हैं, उनकी नहीं आती मेरे पास सलवार की कटिंग, तो आती है कुर्ती की, सिखा दो मुझे थोड़ी सी कटिंग। देख के जो शॉर्ट कुर्ती जो जींस के ऊपर डल जाए वो वाली कुर्ती, या थोड़ी सी लॉन्ग भी हो जाए ये वाला, देखे पीछे ये कपड़ा ब्लू के नीचे वाला, ये वाला, ये जिसको आपने पकड़ रखा, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, देखियो कौन सा ठीक लगेगा। ये तो ये होगा ना, मैं तो ये कह रही थी ये वाला, ये तो लाइनिंग लगेगी। अच्छा ये वाला नहीं, फिर एक ना ये यहाँ पे टंगा हुआ पीओ के डैडी व्हाइट से कलर का ना, ये इसके साथ का एक और है, ये अच्छा लगेगा, चल देख लो जो आपको सही लगे और पहनने में कंफर्टेबल हो वैसे वाला। और ये जो इधर थान है ये तो गुजरात से लाए हुए नहीं है आपके? कौन से जो ऊपर रखे? गुजरात से तो है। तो ये मुझे क्यों नहीं नजर आए थे वहां से? अच्छा ये आप जब अकेले गए थे आपने तब, अच्छा ये चोरी चोरी गए थे जब आप मुझे अजमेरा वालों का छोड़ कर तब लिए थे आपने, तो ये भी नहीं, ये मेरे सामने नहीं आपने उठाए थान, दोबारा गया था मैं। अच्छा जब ये दूसरे लाए थे, अच्छा तो मुझे नहीं पता फिर इनका, मुझे तो ही नहीं कहीं पता, जो ये आपके सामने रखे मैंने कहा यही थे, देख लो कौन सी अच्छी लगेगी। अच्छा अच्छा ये हमारी दुकान का माल है क्या बिका हुआ? चलो अच्छा है भाई, कन्हैया दिन पर दिन तरक्की कर रहा, आने जाने का मोह छोड़ दे भाई, दुकान को पकड़ कर बैठ जा अपनी को। हाँ टाइम लगा भी ना तू, भगवान करे तो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, तुझे टाइम ना मिले बिल्कुल भी खाने पीने के अलावा किसी चीज का। चलो जी देखते हैं पीयू के डैडी कराते हैं क्या क्या करना। तो फ्रेंड्स पहुंच गए थे शिवलोत्ती जाने के बाद शॉप पे, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इंदु को भी कुछ सिखा दूं ताकि ये भी कुछ कर ले। तो आज बड़े दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक कुर्ती की कटिंग बताते हैं, और इसी के नाप की हम कटिंग करेंगे और इसी के नाप की हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए ये वाला फैब्रिक मुझे पसंद आया, बल्कि ये तो ये वो रानी रूनी से कलर देख रही थी, मैंने बोला मैं कहा नहीं ये वाला ठीक है क्योंकि ये सोबर है, अगर हम डार्क मजेंटा कलर लेते हैं तो इतनी ग्रेस नहीं आएगी, ग्रेस तो आती है वो है तेरे पास मजेंटा में सारे कलर से है। तो ये बड़े अर्ज का कपड़ा है और ये हम लेके आए थे सूरत से, तो इसमें से वैसे तो सवा मीटर में से बन जाती है, गला भी खराब हो रहा, सवा से डेढ़ मीटर में से कुर्ती बन जाती है आराम से। तो यहाँ पे लेंथ के हिसाब से मैं कपड़ा निकाल लू पहले ना, कुर्ती बनाएंगे शॉर्ट बनाएंगे या कितनी? नहीं इतनी लेंथ तो चाहिए ना। अच्छा पूरी ही कुर्ती हाँ। निकाल लोगे? मैंने सोचा शॉर्ट बनाओगे। 44 इंच की तो जितनी लेंथ है बस वो वाली और एक उसके बाद बाजू। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक तो 44 के हिसाब से 2 इंच का मार्जिन, और उसके बाद कितनी बाजू चाहिए? मैं तो इतनी डालती हूँ। हाँ बस इतनी बाजू 17 इंच की होगी। हाँ ये वाला, तो ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं करना है वेस्ट, बस अभी सील कर दो और क्या पहनती जाओ सील दो पहन के ही जाओ जो भी दुकान पर सही वही सा ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा देते हैं, ये कन्हैया का है, कन्हैया को दे देंगे। भाई रेट बता दे कितना है इसका ये भी मेरा ही है अभी दूसरे वाला। हाँ इसी का ही तो मैं कह रही, इसी कुर्ती कुर्ती का ही कह रही मैं, हिसाब जोड़ लगा के बता दिए। कोई नहीं भाई, काम दाम अपनी जगह, अपना काम अपनी जगह है। मैं भी वैसे ही कह रहा मजाक, ना मैं सीधे से बोल रही भाई, काम अपनी जगह, अगर लिहाज सारी जगह करने लगे तो फिर काम नहीं होने का। सबसे पहले अलग के अलग बाजू काट लेते हैं ना, पता नहीं फिर कपड़ा काट लो जो काटना, डबल करके यहाँ पे ऐसे
और बाजू है इसकी 17 इंच की कह दी। हाँ जी। देखिए यहाँ पे पहले बाजू काटने के लिए ना बहुत आसान सा तरीका है, जितनी बाजू है उतना निशान लगाना और फिर एक्स्ट्रा लगा लेना। एक्स्ट्रा एक इंच बहुत है, एक डेढ़ इंच और यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे गहराई वाला। सबकी गहराई 3.25 इंच ही हो? हाँ, ज्यादातर कुर्तियों में 3.75 बहुत रहती है। आर्म होल कम ज्यादा बाद में कर लेंगे, 8 इंच कर लेता हूँ फिलहाल ना, आगे से 11। जैसे दोबारा काटेगी ना वीडियो तो वो ये वाली वीडियो देख लेना, फिर उसी हिसाब से काट लेना। यहाँ पे एक गोलाई और एक गहराई काट दो इसी निशान पे, और यहाँ आगे एक्स्ट्रा रखना मार्जिन, जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इस तक इस पे काटना, इस वाले पे काट। कैंची बहुत भारी है आपकी तो, छोटे वाली चलेगी, ये कपड़े थोड़े हैवी हैं। सीधा काट दो आपके, तो कटिंग ही बाजू है इनमें गहराई नहीं दे, ये तो पल्लू में दे दो तो। अच्छा, यही के यही दी जाएगी दो में? मेरे तो हाथ कम पे है। बस काट दी मैंने बाँ। इसके बाद ये कपड़ा बिछाना है, ये खर्चे का हो गया? इसमें क्या खर्चा चलेगा हमारा? जैसे गला बनाना और वो बनाना। फैशन तो पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ से पहला तो जैसे ऊपर से सीधा निशान लगाना, पहला निशान 7.5 पे, कमर का 15 पे और हिप का 21 इंच पे ऐसे लगाना है, ऊपर 7 इंच छोड़ के बॉट नेक बनाना ना। ये 7.5 और ये 15 और ये 21। अब इन पे लाइन खींचेंगे। ये सारे निशान लग गए ना, 1, 2, 3, 4। अब जितना हमारा जैसे ऊपर से यहाँ पे 20.5 इंच रखना तो 10.25 इंच है, कमर 17 इंच है तो हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, हिप यहाँ पे 21 इंच है तो 10.5 इंच पे। अब इन्हें सारे निशानों को मिला देना, नीचे यहाँ पे चाक के निशान लगा लेंगे, आगे ये मार्जिन के लिए, इस साइड भी मार्जिन के लिए, यहाँ पे ये कम ज्यादा मार्जिन की छोड़ा आपने, ये बाद में काट देते हैं इसको। और यहाँ से ये शोल्डर रख देंगे यहाँ पे, जैसे बोट नेक बनाना तो 14.5 रख देंगे, 7.75 इंच रखना, 7.75 का यहाँ पे निशान लगाना, 1.5 इंच अंदर लगाना और यहाँ से सिंपल सा ये निशान लगा के ये वाली सेल दे देंगे। यहाँ पे हमारा बोट नेक बन जाएगा, यहाँ से हमारी कंधी डाउन हो गई। आपने तो ऐसा बता दिया मुझे जैसे मैं पक्की हो रही है, बस आपने बताया वरना फटाफट सीख लिया। ये वीडियो तो रहेगी ना, अब जैसे हमारे जो भी हैं
बस इसी के नाप ले ले अपने कपड़े सिल लो जाओ उसका सारा बनता चला जाएगा। आराम से तो आपके लगे मेरे पता है कैंची भी नहीं चल रही, दूसरी ले लो छोटी। बस भाई मुझे भी बड़ा टेलर बनना ना तो बड़ी सीखनी पड़ेगी मुझे। इसे इक्वल कर दो। नहीं नहीं थोड़ा छोटा ही करना, तो वो तो बारीक फोल्ड कर देंगे वो वाला कट। नहीं फिर भी कैसे नीचे का पल्ला हटा लिया। बस कट गई कुर्ती, और क्या चाहिए। मैं भी तो कट से भी तो लगा करो वहीं लगा देना आते। बस कट गई बन गई मारी कुर्ती। ये तो होगी जी कटिंग, अब इसकी सिलाई पता नहीं पियू के डैडी यहीं सिखाएंगे या घर जाके सिखाएंगे। कितने की होगी कन्हैया कुर्ती? क्या मीटर कपड़ा लगा? कितने मीटर है यो? मुझे नहीं पता भाई, नहीं पूछे अपने भाई को। जितने मीटर कट्टा होगा आपने वो देख। मन्ने नहीं कट्टा, कोई बात नहीं, भी उन्होंने ही तेरे सामने। मारी कुर्ती होगी रेडी, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा, इसके साथ की रील वगैरह, और देखते हैं अगर स्टिचिंग यहाँ पे बताई तो यहाँ पे, नहीं तो घर जाके आज इसकी स्टिचिंग भी करके दिखाएंगे। कट गया।